Assalamualaikum dear students, इस लेक्चर सीरीज में हम मैपर के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। मैपर का कोर्स बीएस ज्योग्राफी सेकंड सेमेस्टर और एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर यानी एडीबी थर्ड सेमेस्टर का एक कंपल्सरी कोर्स है। इसका फर्स्ट टॉपिक जो है वो हिस्ट्री ऑफ कार्टोग्राफी है। हिस्ट्री ऑफ कार्टोग्राफी की हम बात करें तो कार्टोग्राफी फर्स्ट हम ये देखेंगे कार्टोग्राफी है। कार्टोग्राफी इज अ ब्रांच ऑफ जियोग्राफी जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, कंसेप्ट्स, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और रीडिंग ऑफ मैप को स्टडी किया जाता है। कार्टोग्राफी इस लिहाज से इज कंसिडर्ड साइंस ऑफ मैप मेकिंग और कार्टोग्राफी को कंसिडर किया जाता है बेक बोन ऑफ जियोग्राफी। कार्टोग्राफी में मैप मेकिंग होती है और वो मैप यूज होते हैं जियोग्राफी की तमाम दूसरी ब्रांचेज में, इसलिए इसको बैक बोन ऑफ जियोग्राफी कंसिडर किया जाता है। हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफी की जब हम स्टडी करते हैं तो हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफी में बहुत ज़्यादा एम्बिगिटी है, एम्बिगस हिस्ट्री है कि इसमें क्लैरिटी नहीं है, इसमें बहुत सी मिसिंग चीज़ें हैं, मिसिंग लिंक्स एग्जिस्ट करते हैं। हम नहीं जानते कि किसने फर्स्ट मैप बनाया या ओल्डेस्ट मैप ऑफ द वर्ल्ड के मतलब हम नहीं जानते। जो कदीम तरीन मैप्स हैं उसमें से कुछ एग्जिस्ट करते हैं और ज़्यादातर जो मैप जो ओल्डेस्ट मैप हैं वो भी रिकन्स्ट्रक्टेड मैप्स हैं। भारत इस मतलब ये तस्वर किया जाता है कि एक बहुत कदीम फ़न है और कम से कम 5000 साल कबल मसीह से कार्टोग्राफी एग्जिस्ट करती है या मैप मेकिंग की फील्ड एग्जिस्ट करती है। ओल्डेस्ट मैप की हम बात करें तो जो तस्वर किया जाता है कि कैटल ह्यूक में पाए जाने वाले मैप जो है वो कदीम तरीन मैप में से एक है। कैटल ह्यू के तुर्की में टर्किश वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिस एक कदीम तहजीब के आसार हैं जहाँ पर एक दीवार के ऊपर एक उस शहर का टाउन प्लान है बनाया गया है जिसको कदीम तरीन मैप तस्वर किया जाता है जो शायद 6000 साल कबल मसीह का मैप है। इसके बाद बेबीलोनियन ने बहुत से मैप बनाए जो कि क्ले टेबलेट मैप कहलाते हैं यानी कि मिट्टी की तख्तियों पर बनाए गए। इसमें से एक गैसूर मैप है जो कम से कम 2300 कबल मसीह का मैप है। गैसूर बेबीलोनिया का एक सिटी था जो कि दरिया दजला के किनारे पर मेसोपोटामियम रीजन में दरिया दजला के किनारे पर वाक़ था। वहाँ से दरियाफ्त होने वाला मैप जो है क्ले टेबलेट मैप है जो कि मिट्टी की तख्ती पर बनाया गया और उसको फर्स्ट टोपोग्राफिक मैप भी कहा जाता है क्योंकि उसमें डिफरेंट टोपोग्राफिक फीचर्स शो किए गए हैं। इसके बाद दूसरा जो बेबीलोनियन मैप है ये भी एक क्ले टेबलेट मैप है जो कि पेन म्यूजियम में मौजूद है। ये भी निपोर एक टाउन था, कदीम टाउन था, उसका एक टाउन प्लान है जो क्ले टेबलेट पर बनाया गया है जो कि दरिया फरात के किनारे पर मेसोपोटामियम रीजन में एग्जिस्ट करता था और इसको एक स्केल पर बनाया गया यानी कि ये कहा जाता है कि फर्स्ट मैप विच वॉज ड्रॉन ऑन स्केल। फर्स्ट बेबीलोनियन वर्ल्ड मैप जो है स्मॉल स्केल मैप ऑफ द नोन वर्ल्ड जो है स्टार शेप्ड में ये बनाया गया जो ब्रिटिश म्यूजियम में इस वक्त मौजूद है जो सर्कल की शक्ल में बनाया गया और इसमें सर्कल जो है ये ओशन को शो करता है और यानी कि दुनिया का नक्शा बनाया गया जिसके गिर्द समंदर को शो किया गया। इसके बाद इजिप्शियन ने मिस्र के लोगों ने मैप बनाए जिसमें से एक ट्यूरिन पेपरस मैप या मैप ऑफ द गोल्ड माइंस ऑफ इजिप्ट जो है बनाया गया जो कि 1150 कबल मसीह में बनाया गया जिसके ऊपर इजिप्ट में यानी कि मिस्र में पाई जाने वाली जो गोल्ड माइंस हैं वो शो की गई जो कि इस वक्त भी मिस्र के म्यूजियम में मौजूद है। इसके बाद ग्रीक या यूनानियों ने बड़ी तादाद में मैप बनाए जिसमें से एनेक्सीमेंडर का वर्ल्ड मैप है जिसको फर्स्ट मैप वर्ल्ड मैप तस्वर किया जाता है। ये भी एक सर्कुलर मैप है जिसमें
नॉन वर्ल्ड यानी कि उस वक्त तक के जो तीन बड़े आजम थे वो शो किए गए हैं, उनको चारों तरफ से, उनके चारों तरफ समंदर शो किया गया है। इसके बाद जो ग्रीक मैप है, एरास्टोस्थेनेस का मैप, वर्ल्ड मैप है। एरास्टोस्थेनेस वो ग्रीक फिलोसोफर जिसने फर्स्ट टाइम वर्ल्ड ज्योग्राफी यूज़ किया, और इसके अलावा उसने फादर ऑफ द ज्योग्राफी और फादर ऑफ द साइंटिफिक कार्टोग्राफी भी उसे तसव्वुर किया जाता है, जिसने अर्थ का सर्कमफेरेंस भी फर्स्ट टाइम कैलकुलेट किया। उसने जो वर्ल्ड मैप बनाया ये उसकी पिक्चर है। इसके बाद स्ट्रैबोज वर्ल्ड मैप बनाया। स्ट्रैबो एक स्कॉलर था जिसने ज्योग्राफिका के नाम से 17 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल एक बुक भी लिखी जो कि आज भी एग्जिस्ट करती है। उसकी बुक्स में जो बनाया गया उसका वर्ल्ड मैप है, ये उसकी पिक्चर है। इसके बाद टॉलमी, क्लाडियस टॉलमी ने 150 सदी ईस्वी में ये वर्ल्ड मैप बनाया, और ये वो फर्स्ट वर्ल्ड मैप कहलाता है जिसके ऊपर उसने लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ड्रॉ किए, और ये ब्रिटिश लाइब्रेरी में आज भी मैप मौजूद है, जो कि मतलब ये तस्वीर किया गया फर्स्ट मैप जिसके ऊपर लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ड्रॉ किए गए, और इसको एक तवील अरसे तक एक रेफरेंस के तौर पर वर्ल्ड मैप को यूज़ किया जाता था। इसके बाद रोमन्स ने मैप बनाया जिसमें प्रोटिंगर रोड मैप, जिसमें उसने एंटायर रोमन वर्ल्ड थी, रोमन एम्पायर में जो रोड नेटवर्क था उसको उन्होंने मैप के ऊपर ड्रॉ किया। इसके बाद मिडिल एजेस का जो टाइम पीरियड 5वीं सदी से 15वीं सदी तक का एरिया मिडिल एजेस कहलाता है। मिडिल एजेस में ज़्यादातर जो प्रोग्रेस की वो अरब्स ने या मुस्लिम कार्टोग्राफर्स और चाइनीज ने की। मिडिल एजेस का जो टाइम पीरियड है वो यूरोप का डार्क एजेस कहलाता है, क्योंकि यूरोप में उस दौर में इतना ज़्यादा कार्टोग्राफी पर काम नहीं हुआ। ज़्यादातर जो प्रोग्रेस हुई कार्टोग्राफिक फील्ड में वो अरब स्कॉलर्स और चाइनीज स्कॉलर्स ने की। अरब स्कॉलर्स में इसमें इब्ने हकल और अल इदरीसी एक प्रोमिनेंट फिगर रहे इस दौर में। चाइनीज स्टोन मैप ऑफ चाइना 1140 सदी ईस्वी में बनाया, जिसके ऊपर चाइना के एरिया शो किया, और उसे चाइना के दरिया रिवर्स जो हैं वो लोकेट किए गए, और बहुत प्रिसाइजली या एक्यूरेटली उसको लोकेट किया गया, और इसके ऊपर ग्रेटिक्यूल इंटरवल यानी कि लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का एक नेटवर्क भी ड्रॉ किया गया जो कि इसमें नज़र आ रहा है। इसके अलावा चाइनीज ने पेपर मैप बनाए। चाइनीज ने तसव्वुर किया जाता है कि सबसे पहले पेपर मैप बनाने वाले चाइनीज थे, और उन्होंने उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए यूज़ किया। ये मैप जो नज़र आ रही है एक चाइनीज़ मैप है जिसमें येलो रिवर को, हुआंगू रिवर को शो किया गया है, और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को भी शो किया गया है, जो कि 7वीं सदी ईस्वी का मैप है। इसके बाद मिडिल एजेस का जो प्रोमिनेंट फिगर है अल इदरीसी है, जिसने वर्ल्ड मैप बनाया, और उसका वर्ल्ड मैप एक तवील अरसे तक एक रेफरेंस मैप के तौर पर यूज़ हुआ। इसके अलावा जो उसका जो प्रोमिनेंट वर्क था वो बुक ऑफ रॉजर था, या उसको ट्रांसलेट किया गया ग्रीक में या रोमन में, जो उसका नाम टेब्यूला रोजेराना रखा गया। उसमें जो वर्ल्ड मैप उसने शो किया अली दरीसी ने, वो उस दौर का मोस्ट एक्यूरेट वर्ल्ड मैप तसव्वुर किया जाता है, और ये मैप अगले 300 साल तक रेफरेंस मैप के तौर पर, रेफरेंस वर्ल्ड मैप के तौर पर यूज़ होता रहा। इस मैप में भी इसमें साउथ टॉप पर और नॉर्थ डाउनवर्ड था, और इसमें जो नॉन वर्ल्ड यानी कि उस वक्त तक के जो तीन बड़े आज़म एशिया, यूरोप और अफ्रीका शो किए गए थे। इसके बाद मिडिल एजेस में जो यूरोप में मैप बने उनको टीओ मैप कहा जाता है, या मैपा मंडी कहा जाता है। ये एक मखसूस किस्म के चर्च बेस्ड मैप कहलाए जाते थे,
जो कि टी सर्कुलर मैप होते थे, जिसके इर्द गिर्द वर्ल्ड के इर्द गिर्द सर्कुलर शेप में ओशन को शो किया जाता है, और दरमियान में उसको टी बनाई जाती। टी दरअसल शो करता था क्रिश्चियन सिंबल ऑफ क्रूसेड को शो करता था, और उस टी के जरिए से जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनको सेपरेट किया जाता था। इसमें मैप में आपको टी शेप नज़र आ रही है जो एशिया अफ्रीका और यूरोप को सेपरेट कर रही है। इसके बाद मिडिल एजेस में जो यूरोप में मजीद मैप बने उनको पोर्टोलॉन चार्ट्स कहा जाता है। ये नेविगेशनल चार्ट्स, ये नेविगेशनल मैप्स थे जो यूज होते थे सी ट्रेडिंग में। और पोर्टोलॉन वर्ड जो है दरअसल इटालियन वर्ड पोर्टोलानो से निकला था, जिसका मतलब था रिलेटेड टू पोर्ट्स। इसके बाद रेनेसेंस ऑफ कार्टोग्राफी का पीरियड है, जो कि 1450 से लेकर 1650 तक का पीरियड कहलाता है। इसमें दोबारा कार्टोग्राफी ने काफ़ी प्रोग्रेस की, और यूरोपियंस ने ख़ास तौर पर दोबारा प्रोग्रेस की, और यूरोपियन अपने डार्क एजेस से निकले और उन्होंने इस फील्ड पर दोबारा से काम करना शुरू कर दिया। इसको यूरोपियन एज ऑफ रेनेसेंस भी कहते हैं। इसमें जो बने मैप, इसमें टॉलमी के मैप को रिकंस्ट्रक्ट किया गया और रीडिस्कवर किया गया उसके वर्क को, और टॉलमी की जो बुक है उसको दोबारा से ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश लैंग्वेज में, और उसके जो मैप है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया। रोजेलीज वर्ल्ड मैप 1508 में बना, द फर्स्ट होल वर्ल्ड मैप कहलाता था, कि जिसमें न्यू कंटिनेंट्स हैं उनको शो किया गया। इस वजह से इसको फर्स्ट होल वर्ल्ड मैप भी कहा जाता है, कि जिसमें पांचों बर आजम शो किए गए। इससे पहले के जो मैप थे उस पर सिर्फ तीन बर आजम शो किए जाते थे, एशिया यूरोप और अफ्रीका। ये फर्स्ट मैप तस्वर किया जाता है कि जिसके ऊपर शुमाली अमरीका और जनूबी अमरीका भी शो किया गया, क्योंकि उस वक्त तक 1492 में जो है कोलंबस अमरीका दरियाफ्त कर चुका था, एटलांटिक को क्रॉस करके वो शुमाली अमरीका और जनूबी अमरीका पहुंच चुका था। उसके बाद फिर जो मैप बने उस पर उन दोनों बरियाजमों को भी शो किया गया, और इसके अलावा एक मिथिकल सदरन कंटिनेंट भी इसके ऊपर शो किया गया, और वो भी उस वक्त तक डिस्कवर, यानी कि अंटार्कटिका उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुआ था। इसके बाद वाल्ड सी मुलर्स का वर्ल्ड मैप आया, जिसमें ये वो मैप है जिसके मुताबिक लिखा जाता है कि ये फर्स्ट मैप है जिसके ऊपर वर्ल्ड अमेरिका या अमेरिको शो किया गया, और ये अमेरिकन लाइब्रेरी में कांग्रेस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में इस वक्त मौजूद है, जिसके मुताबिक उनका ख्याल है कि ये फर्स्ट मैप है जिसके ऊपर वर्ल्ड अमेरिको लिखा गया, और अमेरिको वर्ड जो अमेरिको वेस्पुकी के नाम पर रखा गया, जो कि उस वक्त फर्स्ट था जिसने इसको उसकी बाउंड्री लाइन ड्रा की। इसके बाद मर्केटर ने वर्ल्ड मैप ड्रा किया, ग्राडस मर्केटर ने मर्केटर प्रोजेक्शन ड्रा किया, और उसके ऊपर उसने वर्ल्ड मैप ड्रा किया, और वो मर्केटर प्रोजेक्शन जो आज भी बहुत पॉपुलर है और आज तक यूज हो रही है नेविगेशन में खासतौर पर। इसके बाद मॉडर्न एरा ऑफ द कार्टोग्राफी स्टार्ट हो जाता है, जिसमें 17th to 19th century का टाइम पीरियड आता है। इसमें हॉर्नियस वर्ल्ड मैप जो कि 1630 में बना, टिपिकल रेनेसेंस मैप कहलाता है, कि जिसमें एक्यूरेटली बड़े आजमों को उनकी असल पोजीशन पर शो किया गया। इसके बाद मजीद वॉन क्यूलन मैप 1720 में बना मर्केटर प्रोजेक्शन पर, और इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे इंडिया का बना, इंडिया का हुआ, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये इसको फंड किया, और
ये मैप एक बड़े उसके जरिए से सर्वे के जरिए से बनाया गया, इसमें पूरे इंडिया को शो किया गया। ये एक मुख्तसर सा हिस्ट्री ऑफ कार्टोग्राफी है जिसको हमने बहुत ब्रीफली डिस्कस किया, क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक चैप्टर में इसको क्लोज करना मुमकिन नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं। शुक्रिया।